एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और ये टाइम हम लोग रिव्यू कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला। तो अभी हम लोग इधर ब्रह्मा मोटर्स के पास है, रॉयल एनफील्ड ब्रह्मा मोटर्स, एंड उधर अल्ट्रा वायलेट का भी है। तो वील जस्ट टेस्ट दिस आउट, हम लोग को टेस्ट राइड के लिए मिल गया है, तो अभी देखते हैं। और बारिश भी अभी चालू हो गई है, तो लेट्स सी इसका ब्रेकिंग वगैरह कैसा है, क्या है इसका ओवरव्यू तो मैं दे ही दूंगा। हाँ, तो देखते हैं। इसका एग्जॉस्ट बहुत मस्त है, इट्स लाइक द हिमालयन, विच इज़ रेरी नाइस। हैंडलिंग पोजिशन इज़ गुड। इसका मुझे सिर्फ एक दिक्कत आया था, वॉज द क्लच। तो जो नई गाड़ी मैंने देखी थी वो क्लच का प्रॉब्लम था। वैसे तो एकदम मस्त है, इट इज़ स्पीडी, इट इज़ टॉर्की, थोड़ा टॉर्क भी अच्छा खासा है इसका। इट इज़ द सेम इंजन एज द हिमालयन, हिमालयन 450 का ही इंजन है इसमें भी। सो सेम अमाउंट ऑफ पावर, सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क, दोनों सेम है। 40 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 5000 RPM एंड 39.47 BHP ऑफ हॉर्स पावर एट 5000 RPM। तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, लाइक द हिमालयन। चैसी भी हिमालयन की ही यूज़ की है, जस्ट के इसका बॉडी पार्ट थोड़ा, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर बात किया जाए इसका टैंक कैपेसिटी का, तो इट होल्ड्स टैंक कैपेसिटी ऑफ 11 लीटर्स। एंड देर आर थ्री वेरिएंट्स इन दिस, एक टॉप वेरिएंट, मीडियम मतलब जो मिडिल वाला वेरिएंट है, और एंड एक बेस वेरिएंट आता है। तो बेस वेरिएंट में जो आप इधर ये डिस्प्ले देख रहे हो डिजिटल, वो नहीं आता, देयर इज़ ओनली एनालॉग डिस्प्ले। एंड कलर स्कीम के हिसाब से द मिडिल एंड द टॉप जो मॉडल्स है उसमें 7000 का फ़र्क है। मिडिल एंड द टॉप मॉडल विल हैव द डिजिटल कंसोल, एज यू कैन सी ऑन द गोरिल्ला राइट नाउ जो मैं चला रहा हूँ। 11 लीटर का कैपेसिटी इज़ रेरी नाइस, एंड इसका एवरेज कुछ तो भी है अराउंड, द कंपनी स्टेट्स इज़ गोना गिव एन एवरेज ऑफ 35 किलोमीटर्स पर लीटर। नाउ आई डोंट नो वो कितना प्रॉप सही है कितना गलत है, बट देखते हैं। स्पीड वाइज नाइस, टॉर्क की स्पीड, बट वो थोड़ा जब 450 cc आप बाइक चलाते हो तो थोड़ा अंडर पावर्ड लगेगा आपको, बिकॉज इसका इंजन भी ऑलमोस्ट सेम है अपना जो हिमालयन का है। तो फील लाइक यू आर गोइंग टू डू ऑफ रोडिंग, बट इट्स लाइक अ स्क्रैम्बलर, तो इतना भी ये स्पीड की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑफ रोडिंग में ज़्यादा मज़ा आएगा इसको चलाने को भी। एंड वाइब्रेशंस की बात करें तो येस, देर आर इनिशियल वाइब्रेशंस जो फुल फील होता है स्टार्ट में ही। जैसे ही तुम 40-50 किलोमीटर्स टच किया, वाइब्रेशंस थोड़े कम होते हैं, बट बिफोर दैट देर आर लॉट ऑफ वाइब्रेशंस, एंड इट इज़ नोटिसेबल वाइब्रेशन। ऐसा भी नहीं है कि इट्स नॉट नोटिसेबल, तो वो थोड़ा एक प्रॉब्लम दे सकता है स्टार्ट में, एज वन बिग प्रॉब्लम। बट एग्जॉस्ट तो भाई साहब बहुत मस्त है, बढ़िया एग्जॉस्ट है। सीट हाइट भी अच्छी खासी है, 780 mm है, तो द पीपल हु आर अ लिटिल शॉर्ट कैन राइड देम विद ईज। सस्पेंशंस आर रियली नाइस, ब्रेक्स आर गुड, दे आर नैकी, दे आर ब्रेकिंग इज रियली नाइस, रिस्पॉन्सिव ब्रेकिंग है आई वुड से। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, ये थोड़ा लगते जाएगा इनका अपने कैमरा में, विच आई डोंट वांट, बट ठीक है, कांट हेल्प इट। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ब्रह्मा मोटर्स, दैट इज़ रॉयल एनफील्ड ब्रह्मा मोटर्स, टू गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू टेक अ टेस्ट राइड ऑफ द न्यू गोरिल्ला 450। द सेकेंड थिंग आई लाइक अबाउट दिस बाइक इज़ the mirrors, they are really good,
प्रॉपर व्यू दिखता है पीछे का, विच इज़ द मेन यूज़ ऑफ द मिरर, नॉट फॉर जस्ट शो। तो ये मिरर्स अगर आप निकालते हो तो एंड आप वो बार एंड मिरर्स लगाते हो तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। दीज मिरर्स आर एक्चुअली रियली गुड, दे आर वेरी यूजफुल। ओके, तो ये हाँ ये अपना लग गया है। डिजिटल कंसोल भी बहुत मस्त है, प्यारा है। इट्स द सेम एज द हिमालयन, हिमालयन का जो ये था वो ये, वो भी कुछ चेंज किया नहीं है। भाई स्पीड तो बढ़िया है, स्पीड इसकी आई वुड से स्पीड इज ऑल्सो गुड। जस्ट के वो इट्स नॉट दैट नैकी व्हेन यू लाइक थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना नहीं है जैसे आप 400cc अभी स्पीड या स्क्रैम्बलर आप चलाते हो तो उसमें कैसा है कि रिस्पॉन्सिव थ्रॉटल है, थोड़ा भी ऐसा किया तो एकदम मस्त भागती। इसमें इतना स्पीड नहीं है एंड ऑल्सो ऑब्वियसली ड्यूक से तो मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता इसको। ड्यूक 390 और एन एडवेंचर 390, उनका टॉर्क और पावर ज़्यादा ही है ये बाइक से ऑफकोर्स। बट रॉयल एनफील्ड हैव डन एन इम्प्रेसिव जॉब ऑन दिस बाइक, द गोरिल्ला 450। आई वुड से कि उनका जो रिसर्च इनके पीछे है, इसके पीछे बहुत काम कर गया है। ओनली थिंग इसके ये रॉयल एनफील्ड है सो आई डोंट नो हाउ रिलायबल इट इज़, एंड इसका सेल्स तो बहुत बढ़िया है। मतलब द थिंग इज़ दैट इन एवरी नुक एंड कॉर्नर यू विल फाइंड अ रॉयल एनफील्ड शोरूम विद अ रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर। तो वो एक चीज़ बहुत बढ़िया लगती है मुझे रॉयल एनफील्ड के बारे में कि उनका ये बहुत मस्त है, बढ़िया है। रॉयल एनफील्ड शोरूम तुमको हर एक जगह पे मिल ही जाएगा। रॉयल एनफील्ड का शोरूम बोलो या फिर रॉयल एनफील्ड का ये क्या बोलते हैं, रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर बोलो, ये हर एक सिटी में मिल ही जाएगा आपको। तो एंड पार्ट्स भी अवेलेबल रहते हैं तो इतना दिक्कत नहीं आता है। बट इफ़ यू गो टू सी इन एनी अदर बाइक्स लाइक ड्यूक, KTM हो गया या ट्रायम्फ हो गया, उनका सर्विस सेंटर मिलना हर सिटी में थोड़ा मुश्किल है। दे आर टारगेटिंग मोस्टली बिग सिटीज़, ये Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में भी इसके सर्विस सेंटर्स वगैरह मिल जाते हैं। राइडिंग पोस्चर भी बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, एंड सीट इज़ वेरी डैम कंफर्टेबल, टू डैम कंफर्टेबल। सस्पेंशन आर टू गुड, सीट इज़ टू गुड, हाइट ज़्यादा नहीं है तो मेक्स इट मच मोर कंफर्टेबल। अभी पॉटहोल से जाएंगे, ओह नाइस, वेरी नाइस, पॉटहोल से भी। क्लच थोड़ा इसका हार्ड है, ऑब्वियसली इट्स अ बाइक विच हैज़ टू गो इन ऑल टेरेन, तो ये टेरेन पे मैं ज़्यादा ट्राई नहीं करूँगा अभी फिलहाल। इट इज़ इट इज़ नॉट माई बाइक, इट इज़ टेस्ट राइड बाइक, तो मुझे ज़्यादा इसको बिगाड़ना नहीं है। अभी देखोगे तो मुझे फ्यूल रेंज मिल रहा है 32 किलोमीटर्स पर आर का ये मिल रहा है मुझे रेंज, सॉरी एवरेज, विच इज़ गुड। 450cc बाइक के हिसाब से बहुत प्यारा है। इसको खड्डे में से लेके जाएंगे, ऑफकोर्स ये तुम पुणे महाराष्ट्र में चलाओगे बाइक तो बहुत बढ़िया है। इधर पॉटहोल्स तो बहुत है ही ऑलरेडी, पॉटहोल्स के बारे में बोलना तो नहीं चाहता हूँ मैं फिलहाल। मोड चेंज, यू कैन नॉट चेंज द मोड व्हाइल यू आर इन मोशन। तो अभी थोड़ा साइड पे मैं रुक के देखता हूँ कि कुछ मोड का क्या क्या सीन है इसमें। ऑलरेडी भीग तो गया ही हूँ मैं, अभी देखते हैं ये क्या है। राइड मोड परफॉर्मेंस ABS ऑन एंड इको ABS ऑन, परफॉर्मेंस ABS, अच्छा इकोनॉमी एंड परफॉर्मेंस है तो ये दो मोड्स ये देते हैं। एंड इफ़ आई गो एंड प्रेस दिस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देयर इट इज़,
तो इफ़ यू प्रेस द मोड बटन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो ये डिजिटल कंसोल का ये पूरा ये चेंज हो जाता। वापस दिखते हैं इसको, ये हो गया मस्त। बहुत बढ़िया बाइक है, इसको लगाते हैं साइड पे थोड़ा इंजन कट करके। इट हैज़ द सेम इंडिकेटर्स जो हिमालयन में भी आपको मिलते हैं, तो इंडिकेटर्स भी सेम है। इट्स अ 2-in-1 इंडिकेटर, तो ये पार्किंग लाइट्स ऑन रहते हैं इनके, इसके अगर तुम देखोगे तो फुल टाइम। एग्जॉस्ट भी सेम दिया है। सस्पेंशन का थोड़ा जो ये है वो अलग है, मतलब एज इन देव जस्ट डायगनली प्लेस्ड इट। इज़ द सेम सस्पेंशन फ्रॉम द हिमालयन, बट थोड़ा हाइट कम करने के लिए उन्होंने डायगनली प्लेस कर दिया, मतलब डायगनली एज इन अ स्लांटिंग पोजिशन लाइक द ड्यूक थ्री, द न्यू ड्यूक 390। इज द सेम हेडलाइट्स फ्रॉम द हिमालयन, अगेन सेम इंडिकेटर, फ्रंट इंडिकेटर्स फ्रॉम द हिमालयन। तो ऑलमोस्ट सेम, सिमिलर चैसी, सिमिलर बाइक वगैरह सब कुछ सेम है। जस्ट द डिफरेंसेस के हाइट लेवल थोड़ा कम हो गया है। ऑल्सो सेकेंडली दिस इज़ नॉट एन एडजस्टेबल हाइट लाइक द हिमालयन, जो हिमालयन में एडजस्टेबल हाइट आता था वो नहीं है। इट्स जस्ट वन हाइट, दैट इज 780 mm। इसके व्हील साइज देखेंगे तो 160/60/17 है, एंड दे हैव गिवन अ सियाट टायर एज स्टॉक। And you can get the, I would suggest get an Apollo Trampler for this because it has the same kind of wheel type and it is much better. So back has 160/60/17 and front wala dekhoge to 120/70/17 hai. So wheel size is also really good, not bad at all. So ye pura look hai, overlook hai. If you can see the bike looks amazing. इसमें वापस कलर्स अलग अलग आते हैं, तीन वेरिएंट्स है, बेस मॉडल है, मिडिल मॉडल एंड टॉप मॉडल। हाँ, वन थिंग आई हैव नोटिस्ड, वन थिंग विच इज़ लिटिल नोटिसेबल इज़ उसका जो रेडिएटर गार्ड है वो थोड़ा बाहर आ रहा है। सो क्रैश के समय देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये टूट जाएगा, बट ऑल्सो यू कैन हैव द क्रैश गार्ड, सो उसको कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। बट इट इज़ वेरी ईजी टू गेट योर रेडिएटर गार्ड का जो ऑयल रहता है, कूलेंट वगैरह, वो ईज़िली आप डाल सकते हो। दैट इज़ वन गुड थिंग। पिलियन के लिए भी मस्त है, सॉफ्ट है सीट, इट्स अ लिटिल शॉर्ट बट इट इज़ रियली नाइस। साड़ी गार्ड तो ऑब्वियसली आ गई, एंड दिस इज़ हाउ द गोरिल्ला 450 लुक्स लाइक एंड दिस इज़ हाउ द गोरिल्ला 450 फील्स। सो इन कंक्लूजन आई वुड से दैट आई वुड रादर buy this bike if you have a tight budget and if you are a Royal Enfield lover and your height is also short, I would rather buy this one over the Himalayan because your feel and look wise bhi acha hai. Himalayan also is really nice but uska height thoda zyada hai for the people who are a little short. So this is also really nice because almost Himalayan ke jaise hi pura engine wagera same hai, just jo difference hai wo hai height ka and looks ka, everything else is almost the same. So there is two things that you can go, either go for a Himalayan if you are an proper adventure lover, but if you want a bike which will take you to different terrains, that is highways rahega, highway cruising rahega ya fir off-roading rahega, you can always choose a Gorilla because ye literally cruising ke liye bhi bahut badhiya hai and dekha jaye to off-roading ke liye bhi bahut badhiya hai. I would really suggest get this one. I loved the test ride and I loved this bike so much. Ye bhai matlab pyar to aa gaya, but wo ye ki Royal Enfield is kind of a toxic love that I don't want to carry. I don't want a toxic relationship with Royal Enfield right now. I'm happy with my Duke 390. Isko neutral mein dal dete hain, isko band kar dete hain. इसको आई थिंक थोड़ा अंदर डाल देते हैं इसको, ये बाइक को। गाइस इसका अभी हम लोग लेंगे थोड़ा एग्जॉस्ट नोट देखते हैं इसका। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द हिमालयन इटसेल्फ, बट लेट्स सी, फिर भी एग्जॉस्ट नोट तो बनता ही है।
got me. In the Phantom off that Molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Scotty, ooh. Right beside me, in the Phantom off that Molly, yeah, yeah.